तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके शिशुओं में भी है खट्टी डकार और एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो आपको इन घरेलू उपचार को फॉलो करना चाहिए। होम रेमेडीज से आप अपने बच्चे की खट्टी डकार और एसिडिटी की प्रॉब्लम को यूं दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। अगर आपके शिशु को बार बार उल्टियां हो रही हैं, मल में खून आ रहा है और बार बार मुंह से कफ निकल रहा है, तो हाई चांस है कि उसको एसिडिटी हुई है। जी हाँ, एसिडिटी ना सिर्फ बड़ों को ही बल्कि शिशुओं को भी हो जाती है। शिशु के पेट की मांसपेशियां अभी ठीक प्रकार से डेवलप नहीं हुई होती है, जिस वजह से उन्हें जो भी खिलाया जाता है वह बाहर निकल जाता है। अगर आपके शिशु को भी ऐसी ही दिक्कत है, तो आज हम उसका समाधान करेंगे और एसिडिटी को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपचार बताएंगे। नंबर 1, पुदीना। पुदीना पेट को ठंडक का एहसास करवाता है और पाचन तंत्र को ठीक करता है। अपने बच्चे की 2 बूंद पुदीने के तेल और 1 चम्मच जैतून के तेल को मिलाकर पेट के निचले हिस्से पर मालिश करें। ऐसा दिन में 2 बार करें। अगर आप स्तनपान करवा रही हैं, तो आप दिन में 2 या 3 बार पुदीने की चाय पी सकती हैं। नंबर 2, नारियल तेल। नारियल तेल में ल्यूरिक एसिड पाया जाता है, जो कि माँ के दूध जैसा ही अच्छा होता है। इससे बच्चे को खाना हजम करने की ताकत आती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें दिन में 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का सेवन करना चाहिए, जिससे होने वाले बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े। इसके अलावा बच्चे के दूध या खाने में एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलाकर देना चाहिए। नंबर 3, मसाज दीजिए। अपने बच्चे की नारियल या जैतून के तेल से पेट की मालिश करें। खाना खिलाने के तुरंत बाद मालिश ना करें। मालिश से बच्चे का पाचन तंत्र मजबूत बनेगा। नंबर 4, व्यायाम करवाएं। बच्चे के पेट में बनने वाली गैस या पेट का फूलना दूर हो सकता है, अगर बच्चे को घुटने के बल चलवाएं या फिर पैरों से चलाने वाली साइकिल चलाने को दें। अपने बच्चे को लिटा दें और उसके पैरों को पकड़कर आधा मोड़ें और चलाएं। यह ऐसा होगा जैसे आप अपने बच्चे को साइकिल चलवा रही हैं। नंबर 5, एप्पल साइडर विनेगर। यह भी बच्चों की इम्यूनिटी सुधारता है। 1 ग्लास हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर उसे बीच बीच में पिलाती रहें। आप चाहे तो 1 साल के ऊपर के शिशु को शहद भी खिला सकती हैं। नंबर 5, कैमोमाइल टी। यह हर्बल चाय बच्चे का पाचन ठीक करती है और कालिक पेन से भी राहत दिलाती है। गर्म पानी में 1/2 चम्मच सूखी कैमोमाइल फूल की पंखुड़ियां मिलाएं और दिन भर शिशु को पिलाती रहें। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कैसे हम अपनी शिशुओं की खट्टी डकार और एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटिफुल विद मी।